डायरेक्टर गुरुद्वारा इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन करा के तो उस तो बाद सारी की सारी पावर जो ने गुरुद्वारा कमेटी को होंगे ने। जब तक गुरुद्वारा कमेटी ना चाहे भी जाँच हो भी वो ना लिख के दे तद तक गुरुद्वारा इलेक्शन की इदा की कोई पावर बन नहीं रही। खैर आप एक होर कमेटी बना के कोशिश कर रहे हैं कि एक्ट को थोड़ा मजबूत किया जाए। जे कि घोटाला हो रहा है तो किसी की शिकायत पर भी कार्रवाई की जा सके। इदा की कुछ अपना पॉसिबिलिटीज ठीक है। कमेटी कौन कौन मैंबर होंगे, कमेटी का की काम होएगा, की रूपरेखा कमेटी च? हाँ बिल्कुल, डिविजनल कमिश्नर गुरुद्वारा इलेक्शन तमाम अफसरों लैके कमेटी बनाई गई है तो वो वास्ते एजेंडा भी तैयार हो गया। सानू उम्मीद आने वाले कुछ दिन चो कमेटी अपनी मीटिंग करके तो जो भी अमेंडमेंट होने चाहिए है कि 1971 का एक्ट बनया तो अज जो है बदहाली है। जे एक मजबूत एक्ट हों तो यह बदहाली नहीं होनी सी तो वह डर जो हों जरा भी तुम वेख सकते हो। सरेआम घोटाले किए जा रहे हैं, कोई डर नहीं किसी चीज़ का है। गुरु घर की गोलकों सरेआम वो दुरवरतों की जा रही है, कोई किसी किस्म का कोई परहेज नहीं की जा रही। तो एक्ट को मजबूत करना इस टाइम सारी कम्यूनिटी की जिम्मेवारी है। तो आप पिछले दिन सजेशन मंगे भी सी कमेटी के वक् वक् हिस्सों तो बड़े शानदार वास्ते सजेशन आए हैं। बहुत सारी बुनियादी कमियां ने, एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं है दे विच, लोगों का आम संगत का पार्टीसिपेशन बहुत घट है इलेक्शन विच। बिल्कुल आप सजेशन मंगे ने तो हूँ जो भी मीटिंग होगी ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਕਰਾਂ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਲਿਮਿਟਿਡ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਤੱਕ ਰੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਟ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।